हेलो एवरीवन, दिस इज आदित्य केशरवानी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सैपियन ट्यूटोरियल्स। सो अनदर वीडियो आ चुका है प्लेसमेंट सीरीज में। अभी तक मैंने एनआईटी राउरकेला, एनआईटी वारंगल का प्लेसमेंट डेटा पूरा कवर किया था। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, तीनों स्टूडेंट जो भी तीनों डिपार्टमेंट के जितने भी मोस्टली जो भी कंपनीज, कोचिंग इंस्टीट्यूट, इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज जितनी भी आती वो सब मैंने इन्फॉर्म करी थी एनआईटी राउरकेला का, एनआईटी वारंगल का। आज हम बात करने जा रहे हैं एनआईटी दुर्गापुर के प्लेसमेंट जो जितनी भी कंपनीज आती हैं उनके बारे में, और जो भी अभी तक दो मैंने एनआईटीज का कवर किया और दोनों एनआईटीज का मैं विद प्रूफ के साथ आपको पूरा डेटा शो किया, ताकि आपको ये मत लगे कि जैसे होता है ना कि किसी से भी आप पूछते हो सीनियर से तो ऐसे बोल देते हैं, हाँ यार आती है, थोड़ा बहुत आती है कंपनीज ऐसा वैसे। तो मैं इस तरीके का काम नहीं करता हूँ, मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाता हूँ आती है। अब वो बात अलग है कि स्टूडेंट के अंदर कैपेबिलिटी नहीं होगी तो स्टूडेंट को सिलेक्शन नहीं होगा, वो पूरा आप पे डिपेंड करता है। मेरा सिर्फ काम इतना है कि आपको बताना कि ये कंपनीज आती हैं, कौन कौन से कोचिंग इंस्टीट्यूट आती है, ये सब मेरा काम है आपको बता रहा। उससे पहले मैं एक चीज और इन्फॉर्म आपको करना चाहता हूँ, मेरा यहाँ पे कोई इंटेंशन नहीं है कि मैं कोई एनआईटी को अच्छा या बुरा कह रहा हूँ, सब एनआईटीज अच्छी हैं। बस मेरा ये मोटो है कि बहुत सारे स्टूडेंट को जब दो एनआईटीज में डाउट होता है कि दो तीन एनआईटीज में कि सर एनआईटी ये वाली एनआईटी ज्यादा बेटर है कि ये वाली एनआईटी, तो दो तीन पर्पस आपका फिर मैं पूछता हूँ ना, कि हमेशा पूछता हूँ कि आप किस पर्पस से, अगर आपको रिसर्च ओरिएंटेड हो तो दूसरी चीजें बता दो। प्लेसमेंट अगर आपको जॉब चाहिए तो जॉब के पर्सपेक्टिव से बेसिकली मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे मेरा कोई मोटो नहीं कि मैं इस एनआईटी को खराब कह रहा हूँ या कोई और एनआईटी को अच्छी कह रहा हूँ, उस बेसिस पे मैं कुछ नहीं बता रहा हूँ। और यहाँ जितनी भी बात करेंगे विद प्रूफ के साथ बात करेंगे। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। पहले तो सच बताऊँ, मैंने सोचा था मतलब एनआईटी दुर्गापुर पे वीडियो नहीं बनाऊंगा, है ना। मतलब अभी मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे बहुत कम कंपनीज आई हैं, बहुत ही कम आई हैं, ठीक है। उसके बाद फिर मतलब किसी स्टूडेंट ने मुझसे कहा कि सर एनआईटी दुर्गापुर का भी थोड़ा सा आइडिया दे दीजिए, तो मैं बस कुछ मुझे लगा कि यार चलो ठीक है, जो है रियलिटी, मेरा काम है रियलिटी को लाना, रियलिटी आप तक पहुँचाना, मैं बस वही करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं आपको दिखाता हूं विद प्रूफ के साथ। यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे एक इनविटेशन मेल आया था एनआईटी दुर्गा, एक स्टूडेंट को मेल आया था बेसिकली वो एनआईटी दुर्गापुर में। आप देख सकते हो कि आकाश इंस्टीट्यूट, यहाँ पे बेसिकली आकाश इंस्टीट्यूट कोचिंग जो है, आपने नाम सुना होगा, जो आईटी जेई नीट के लिए है बेसिकली, वो कोचिंग इंस्टीट्यूट इस कोच एनआईटी दुर्गापुर में आई थी। यहाँ पे उन्होंने एक बेसिकली सिलेक्शन प्रोसीजर रखा था कि वहाँ पे एक इन्होंने टेस्ट रखा था जो कि लास्ट ईयर, क्योंकि 2020 में चीजें क्या थी, सब कोविड की वजह से सब ऑनलाइन हो रही थी, तो ऑनलाइन यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे अभी आगे आपको मैं दिखा दूंगा कि यहाँ पे बेसिकली एक ऑनलाइन टेस्ट हुआ था, आप देख सकते हो। द सेकेंड मीटिंग आईडी रिमेन विजिबल फॉर इनविज ड्यूरिंग द ड्यूरेशन ऑफ द रिटन टेस्ट। तो बेसिकली एक यहाँ पे रिटन टेस्ट हुआ था, जो भी आपका सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड और थोड़ा सा जो इंग्लिश का पार्ट होता है उससे भी थोड़ा बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो वो सब चीजें आई थी जिसमें पूछा गया था, ठीक है। बेसिकली आपका सब्जेक्ट नॉलेज यहाँ पे चेक करते, तो आकाश इंस्टीट्यूट यहाँ पे आई थी। आपको मैं ये दिखा देता हूँ कि कितने बच्चे यहाँ से सेलेक्ट हुए थे, आप देख सकते हो। यहाँ पे फिजिक्स के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बच्चे ये रिटन टेस्ट में क्वालिफाई थे। इसके बाद क्या होता है, इंटरव्यू राउंड होता है। केमिस्ट्री का देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बच्चे, और मैथ्स जियोलॉजी के इतने मैथ्स के लिए वहाँ पे एलिजिबल, शायद कुछ इशू की वजह से मतलब मुझे मैथ्स का डेटा नहीं मिल पाया है ना, तो मैथ्स के भी स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे। तो बेसिकली मैं आपको सच बता रहा हूँ, यहाँ पे लास्ट ईयर केवल आकाश इंस्टीट्यूट आई थी और कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं आई थी। प्लस एक और बात बताता हूँ जो मैंने मेंशन नहीं किया, कुछ ऐसी जो कंपनीज आई थी जो बेसिकली बीटेक वालों के लिए होती है, बीटेक एमटेक वालों के लिए होती है, तो उन कंपनीज में भी क्या था, एलिजिबिलिटी में उन्होंने डाल तो दिया था कि एमएससी स्टूडेंट कैन अप्लाई, बट ट्रुथ ये है कि वो एमएससी स्टूडेंट आप भरते हो भी हो ना तो आपको नहीं लेता है। बेसिकली वो ऐसा होता है ना, डेटा प्रोफाइल की जॉब हो गई, वेब डेवलपमेंट हो गया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड कंपनी, तो वो सब में उन्होंने भी कुछ कंपनीज थी, इसीलिए मैंने उसको मेंशन ही नहीं किया। मतलब कुछ कंपनीज ऐसी आई थी जो क्या एमएससी उसमें एलिजिबल था। अगर आपको इंटरेस्ट है वेब डेवलपमेंट, जॉब प्रोफाइल और जो इंजीनियरिंग से रिलेटेड कई सारी कंपनीज होती, तो उनमें भी क्या था, एमएससी स्टूडेंट एप्लीकेबल थे, बट
मैं सच बता रहा हूँ कि बहुत ही कम चांसेस होते हैं एमएससी स्टूडेंट्स का वहाँ पे सिलेक्शन होना। अगर आपके अंदर बहुत ज़्यादा टैलेंट है उस टॉपिक से रिलेटेड तो आपका हो सकता है, बट मैंने सच बता रहा हूँ मैंने इसी वजह से यहाँ पे मेंशन नहीं किया, क्योंकि जो मैंने बात किया सीनियर से पता चला है मुझे तो सेम यही था। मैं आपको क्लियर एक और बात बता रहा हूँ, 2020 में NIT दुर्गापुर में सिर्फ 3 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था, 3 बच्चों का इस जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है इसमें सिलेक्शन हुआ था। तो इट्स आप कह सकते हो मतलब कोचिंग इंस्टीट्यूट एक ही आई थी, मतलब इसीलिए मैं सोचा था पहले कि क्या ही बनाऊं, क्योंकि एक ही कोचिंग इंस्टीट्यूट ही आई थी और कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट आई नहीं थे। तो आई थिंक अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए। बट अगर आप कंपैरिजन कर रहे हो NIT राउरकेला वारंगल में, तो वहाँ आप देखोगे कि लगभग 10 कोचिंग इंस्टीट्यूट आई थी, कुछ और कंपनीज आई थी, मतलब वहाँ पे बहुत मतलब अपॉर्चुनिटी रिलेटेड अगर बात करूँ तो वहाँ पे आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी। प्लीज़ इसको गलत मत समझिएगा, इस मतलब मेरे टर्म को प्लीज़ गलत मत समझिएगा कि मैं NIT दुर्गापुर को कुछ किसी से कम कह रहा हूँ, बट मेरा मोटिव सिर्फ इतना है कि ये कंपनीज आई थी इतने का पैकेज, और यहाँ पे जो एवरेज पैकेज था ये आकाश इंस्टीट्यूट का बेसिकली जो 5 से 6 लाख का एक एवरेज पैकेज था, ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं था, 5 से 6 लाख का एवरेज पैकेज था, सिलेक्शन भी बहुत कम हुए, बट ठीक है आई तो थी, एटलीस्ट कोचिंग एक कोचिंग इंस्टीट्यूट आई थी। और प्लीज अगर आपको इंटरेस्ट है उनमें जो बीटेक स्टूडेंट के लिए कंपनीज आती तो वहां भी आप एप्लीकेबल थे, ठीक है, वो मैंने जानबूझ के मेंशन नहीं किया। तो अब आगे क्या ही बोलूं, अगला जो मैं एक चीज इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ कि अभी मैंने राउरकेला कवर किया, वारंगल, ये दुर्गापुर, इसके बाद मैं पूरा ट्राई करूंगा NIT जयपुर का। बेसिकली प्रॉब्लम ये हो रहा है कि डेटा कलेक्ट करने में ना बहुत प्रॉब्लम होता है, बहुत कम स्टूडेंट जो मेरे दोस्त हैं वो शेयर करते हैं, तो इस वजह से थोड़ा इश्यू, बट मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ। NIT की काउंसलिंग अभी भी टाइम है, तो आप चीज़ों को देख लेना, ये मैं कोशिश कर रहा हूँ जितना मेरे से हो पाएगा मैं प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। सो या आप देख लिया, आपने पता चल गया कि ये कोचिंग आई थी और कुछ नहीं था, ठीक है। सो या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।